आपके साथ ही मिलेगी मतलब करंट नहीं फिर भी यार इस बार तो मतलब खुल गया है ना भाई इधर सब दूर हैं रोल पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाना सुपर डुपर हिट हो चुकी है थैंक यू उसके बारे में क्या कहना चाहोगे थैंक यू सो मच आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू बट कांग्रेट थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो नाइस ऑफ यू थैंक यू सर बिकॉज़ आई डिडंट सी आई केम टू माय आंट्स प्लेस वन कलेक्ट नो प्रॉब्लम हाय प्लेबैक सिंगर ओके वी कम देयर या इट वाज हर बर्थडे ओके टू डेज बैक एनीवे ऑल द बेस्ट थैंक यू थैंक यू सो मच कि आपने पहले सखियों को बहुत सारा प्यार दिया और अभी चल रहा है कंटिन्यू रील्स में जैसे बोला कि ट्रेंडिंग पे अभी एंड एवरी डे अभी लगातार रील्स बन रही हैं और यू नो क्योंकि ये नॉर्थ का ज़्यादा गाना है थोड़ा पंजाबी है तो वहाँ पे ज़्यादा लोगों को समझ आता है तो वहाँ पर हर जगह कैफे वगैरह में तो अभी वही गाना चल रहा है और बार बार मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि नेक्स्ट कब है या वेरी गुड रिस्पॉन्स बस अभी तो यही है कि आप देखो प्यार दो से बहुत सारा ऐसे ही देते रहिए प्यार जिस तरीके से आप दे रहे हैं क्या ये वैलेंटाइन डे का पहले से सब वैलेंटाइन के लिए ही स्पेशल दे दिया था हमने क्योंकि लव सॉन्ग है कि था कि वैलेंटाइन तक ही गाना सबके मुंह पर चढ़ाओ ताकि वो अपने यस कपल के साथ बैठ जाए और जिस तरह के फैंस चाहते थे आप दोनों फिर से आए गाने में तो किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है फैंस की मतलब कामयाब पूरी हुई हम दोनों जब भी साथ में काम करते हैं तो लोगों को बहुत एक्चुअली पसंद आता है क्योंकि वो केमिस्ट्री जो दिखती है वो हमेशा बहुत और क्योंकि ओरिजिनल होती है हम हस्बैंड वाइफ हैं तो हमें कुछ दिखावा नहीं करना पड़ता तो वो निकल के आता है हमेशा और एक नहीं अभी आने वाले कितने सारे गाने हैं जो वेट कर रहे हैं बैक टू बैक सिर्फ मैं गाना आता है दूसरा कब आ रहा है इतने गाने जिसमें मैं और यूवी ही हैं और एक रूमर्स काफ़ी चर्चा में है कि आप रोडीज छोड़ रहे हो तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे हम रोडीज छोड़ नहीं रहे एक्चुअली उन्होंने कॉन्सेप्ट चेंज किया है इस साल वो कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं सो दैट्स द रीज़न कि हम रोडीज नहीं कर रहे हैं इस बार आई होप कि लोग वैसे ही देखें रोडीज़ को क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ लोग रोडीज़ सबसे पहले रन भाई की वजह से और उसके बाद मैं ये सब आते हैं वहाँ पे जिसकी वजह से लोग रोडीज़ को फॉलो करते हैं और देखते हैं क्योंकि हम मैं और रन भाई उसी शो में से जीत कर आए हैं right. तो लोग रिलेट करते हैं आई डोंट नो कि अभी कौन नया आ रहे हैं मैं शायद सुना है सोनू सूद आ रहे हैं आई होप कि वो संभाल पाएँ अच्छा करें क्योंकि वो शो हमारा बच्चे की तरह है हम सब ने उसको मिलकर बढ़ाया तो वो ऐसे ही चलता रहे बाकी सब लोगों को बोलूँगा उसको उस शो को बहुत सारा प्यार देना क्योंकि वो शो है ही एक्चुअली बहुत अच्छा एंड डू यू थिंक इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर योर फैंस क्यों आप आपकी तरफ ही मैंने इतने सारे शोज किए हैं आज भी लोग मुझे प्यार करते हैं क्योंकि रोडीज़ की वजह से है ना क्योंकि मैं जज करता हूँ और मैं वो शो जब जीता था तो सबसे ज़्यादा मेरे को रिस्पेक्ट मिली है उसमें तो मुझे लगता है हम सब बहुत डिसअपॉइंट मैं नहीं मैं अकेला नहीं मैं रणवीर भाई नेहा सब हम बात करते हैं हम सब बहुत दुखी हैं कि हम वो शो नहीं कर रहे हैं इस साल आई होप कि नेक्स्ट ईयर कुछ अलग हो और वापस से हम सभी हों और मजा आए लोगों को मैम ये डिसीजन बहुत बड़ा डिसीजन है सर का तो आप इसमें क्या करना चाहोगे आई थिंक इट्स हिज पर्सनल चॉइस ऑफ कोर्स हिज लव फर्स्ट लव इज रोडीज विल ऑलवेज बी फर्स्ट लव एंड या एक बार बिकॉज प्रिंस बड़ा हुआ है रोडीज के साथ सो एंड वो चीज ही ऑलवेज गिव्स रिस्पेक्ट कि कुछ भी हो जाए माई पीपल विल ऑलवेज बी माई पीपल एंड दैट्स रियली ब्यूटिफुल एंड हिज पर्सनल डिसीजन वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू इन हिज करियर या और अगर रोडीज नहीं भी आया तो आई होप हम कुछ ऐसा शो लेकर आएँ जो रोडीज की तरह ही हो ताकि जितने लोग हमें पसंद करते हैं जिस तरह का शो देखना चाहते हैं हम उनको उस तरह का एक नया शो दे पाएँ और वो वहाँ पर आए और कुछ अच्छा अचीव करें
थैंक यू सो मच मैम. आज करिश्मा तन्ना की शादी है तो आप क्या विश? कांग्रेचुलेशन. जो शादी करता है उसके लिए सबसे ज्यादा सही है. हमारी हमारी उसमें आ रहा ना कैटेगरी में, हमारे पास कपल्स हैं घूमने के लिए. आपके आपके बेस्ट फ्रेंड की शादी की भी चर्चा करण गुंद्रा तेजस्वी की बात करो. हमने तो हम डिस्कस मैं तो बाहर आते ही बोल दे रहा हूँ उनको शादी कर लो. हाँ मैं करता हूँ, रुक जा अभी अभी मेरे को घूमने दे थोड़ा सा. तो यार वो कर लेगा. एंड आई थिंक वही अश्विनी ने बोला कि उनकी चॉइस है वो कब करना चाहते हैं. दे आर हैप्पी, अभी कर लें, अगर बाद में करनी तो बाद में करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर कमिंग. थैंक यू ऐसे नहीं कहना.